हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजुला सेन, पकाएं और खाएं में आपका स्वागत है। आज मैं मेथी आलू की सूखी सब्जी बहुत ही सरल तरीके से बनाने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने 300 ग्राम मेथी का छोटे पत्ते वाला साग ले लिया है। साग को महीन महीन काट लीजिए। अब कढ़ाई में साग डाल दीजिए। अब इसमें 1 टीस्पून नमक डाल दीजिए, 1 कप पानी डाल दीजिए। फुल फ्लेम पर 5 मिनट तक रखिए और इसे पूरा उबालना नहीं है, बस भाप लगानी है। 5 मिनट काफ़ी है। 4 मोटी लहसुन की कलियां ले ली हैं, 4 मीडियम साइज के आलू ले लिए हैं। अब मेथी को स्ट्रेनर में डालकर ठंडा होने के लिए रख दीजिए। मेथी का पानी सब निकल जाए और जब तक ठंडी हो जाई है, तब तक लहसुन की कलियां बारीक बारीक काट लीजिए। अब आलू भी छोटे छोटे टुकड़े काट लीजिए। 1/2 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून हींग, 5 साबुत लाल मिर्च छोटी छोटी काट लीजिए। 1/2 कप से भी कम सरसों का तेल ले लीजिए। 1 टीस्पून नमक ले लीजिए। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ले लीजिए। 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर ले लीजिए। अब कढ़ाई रख दीजिए। सरसों का तेल डाल दीजिए। तेल गरम हो जाए तब लाल मिर्च, जीरा, हींग डाल दीजिए। लहसुन भी डाल दीजिए। जब जीरा ब्राउन होने लगे तब आलू डाल दीजिए। 1-1 मिनट बाद स्लो फ्लेम पर ढक ढक कर जलाइए। अब इसमें नमक डाल दीजिए। आलू जब तक पकाएं जब तक गल ना जाएं। साग ठंडा हो गया है। साग का एक्स्ट्रा पानी निकाल दें दबा दबा कर। अब इसमें मसाले डाल दीजिए, मिर्च और काली मिर्च पाउडर। अब मेथी भी डाल दीजिए। 2 मिनट ढक ढक कर चलाइए। जब पानी सूख जाए तब गैस की फ्लेम बंद कर दीजिए। अब हमारी मेथी तैयार है। एक बार इस रेसिपी को बनाकर ज़रूर देखिए और कैसी लगी लाइक और शेयर ज़रूर करिए। कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।